तो सल्फोनेशन के बाद उनको जो डिस्कस करना था उसमें आफ्टर सल्फोनेशन, उसमें थोड़ा सा एक पार्ट था कि भाई देख एडिशन रिएक्शन है इन द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक तो एडिशन रिएक्शन में वैसे तो नहीं होता है कोई एडिशन रिएक्शन, लेकिन कुछ एक एक दो एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन के, वो अपन लिख देते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे हाइड्रोजनेशन, वैसे तो अपन ने पहले हाइड्रोजनेशन पढ़ा हुआ है ना, अपन ने हाइड्रोजनेशन पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन में ऐसे अपन ने पढ़ रखा है कि अगर अपन को बेंजीन रिंग गिवन है और उसमें अपन थोड़ा सा कोई एक ग्रुप और लगा लेते हैं ऐसे, तो अगर अपन इसको NiH2 से रिएक्ट करेंगे तो वी नो दैट कि भाई इसमें एरोमेटिक स्टेबलाइज डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला बॉन्ड ही रिड्यूस होगा। लेकिन अगर अपन इसको NiH2 से रिएक्ट करते हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर लेते हैं तो फिर इसमें एरोमेटिक स्टेबलाइज डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, और ये तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो वैसे भी रिड्यूस हो रहा था। तो एक तरीके से ये हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। इसमें अपन ने 4 मोल्स हाइड्रोजन ऐड किए, भाई 3 मोल्स तो इन 3 बॉन्ड के लिए और एक ये बॉन्ड, और इसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया एक तरीके से। दूसरा अपन कर सकते हैं जैसे अब एडिशन रिएक्शन में दैट इज हेलोजनेशन एक होता है, हेलोजनेशन में वैसे तो अपन हेलोजनेशन नहीं करते हैं बेंजीन का, लेकिन अगर अपन बेंजीन को रिएक्ट करें Cl2 के साथ और इन गामा रेडिएशन या सनलाइट, Cl2 रिएक्टिव भी अच्छा खासा होता है तो अपन इसको गामा रेडिएशन भी लिख सकते हैं या फिर सनलाइट लिख सकते हैं, तो उस केस में अपन इसमें एडिशन कर देंगे हाइड्रोजन्स का। तो यहां पर हाइड्रोजन तो सभी के पास था, एक 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 हाइड्रोजन सभी के पास है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ फिर Cl भी आ जाता है एक। और ये रिएक्शन अपन से काफी बार पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, है ना, एक हाइड्रोजन के साथ साथ एक Cl भी आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ साथ एक Cl भी आ जाता है। तो इसको अपन कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में BHC होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें अपन 6 ये 3 मोल्स लेंगे और ऐड कर लेंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कमर्शियली नोन एज गैनेक्सिन, कमर्शियली BHC इज नोन एज गैनेक्सिन, अपन उसे गैनेक्सिन बोलते हैं कमर्शियली, इट इज नोन एज नोन एज गैमेक्सिन। और गैमेक्सिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड्स होता है, एन इंसेक्टिसाइड्स। इवन कुछ कुछ पेस्टिसाइड भी, पेस्टिसाइड्स में भी अपन कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। सो दिस इज अ एडिशन रिएक्शन, अपन ने इसमें ऐड किया है, सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मतलब कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ ऐड किया है। बट रिमेंबर वन थिंग, बट इफ वी टेक, अगर अपने पास बेंजीन है और इसको रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अपन को पता है कि इसमें अपन क्लोरो बेंजीन बनाते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा था, कल भी पढ़ा था मैंने। लेकिन अगर मैं इसमें ये एक्सेस ऐड करूं एक्सेस ऑफ Cl2, तो ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है, ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है एंड विल गेट 6HCl। ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो इसको अपन कहते हैं, ये BHC है, इसको अपन कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट जनरली इसमें और इसमें गड़बड़ कर देता है, इसको लिख देता है हेक्साक्लोरो, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये नहीं होता, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो पर कहेंगे सर उधर बेंजीन तो दिख नहीं रहा। हाँ तो ठीक है ना, पर इसको भी तो इथीन डाइक्लोराइड लिखते हैं, इधर इथीन अपन को कहाँ दिख रहा है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया ना डबल बॉन्ड, तो इसको अपन लिखते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड दोनों अलग अलग है,
ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, दिस इज एडिशन रिएक्शन, वो लिखा हुआ है एडिशन रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस है, आप थोड़ा ध्यान रखना, इतना ही अपन को एडिशन रिएक्शन में चाहिए, ये दोनों ही रिएक्शन एडिशन में अपन को इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा एक और पार्ट छोटा सा डिस्कस करना था अपन को, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप प्रेजेंट ऑन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर मान लो पहले जैसे अपन ने यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया ना, तो बेंजीन पे कुछ प्रेजेंट नहीं था, वहां बेंजीन पे कुछ प्रेजेंट नहीं था, अगर पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या कोई उसका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पहले से ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में और अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करें, तो अगर वो ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, और अगर वो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो फिर अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? तो एक बात है, अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर किसी बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अपन को पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन को, तो इस केस में बेंजीन को अगर इलेक्ट्रॉन देगा कोई ग्रुप तो बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसका रेट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजीली अटैक कर पाएगा, तो इसका रेट बेंजीन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, सिर्फ बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही ना बेंजीन में, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रहा। और अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ले, मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे, सर ईआरजी मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, पहले अपन ने पढ़ा ना जिसका प्लस सिम और प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, बताऊंगा भी मैं। इसमें अपन हैलोजन्स भी लिख लेते हैं एक बार, हैलोजन का रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन एराइल हैलाइड्स बोलते हैं अपन ने, हैलोजन जो होगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा बेंजीन से, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। अब मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं जिनका प्लस एम और प्लस आई होता है इफेक्ट, उनको अपन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे ग्रुप जिनका माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट होगा तो अपन उनको विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, प्लस एम शो करेगा तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है बेंजीन रिंग से, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है तो बेंजीन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां से देगा? डेफिशिएंट रिंग, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? तो फिर उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है रिंग, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा रिंग तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। हैलोजन के केस में वी नो दैट X इज नथिंग बट द हैलोजन्स ना, FClBrI, ये अपन को पता है, और इनके केस में माइनस आई ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो प्लस एम से ज्यादा होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा।
हैलोजन्स के केस में माइनस आई इफेक्ट उनका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड एक्टिविटी की वजह से, तो उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, इवन दो दे हैव अ लोन पेयर, बट विल से दैट दे प्लस एम शो कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते अपन, लेकिन उनका माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो ये रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोड डेफिशियंट होगा इससे, क्योंकि इसमें तो कोई विड्रॉ कर रहा है, इसमें कम से कम कोई विड्रॉ तो नहीं कर रहा ना, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है, तो ये तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा इससे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इससे, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे ज्यादा होगा। अब एक बार अपन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, उनका इफेक्ट कैसे होगा वो देख लेते हैं अपन। तो मैं एक बार लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, सर ये लेफ्ट साइड में नीचे EAS रिएक्शन लिखा हुआ, EAS ये मैंने कल बताया था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कल क्लास में पढ़ाया तो था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बोला भी था कि अब मैं EAS लिखूंगा उसको। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस द ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन, electron density, the group which increases the electron density in the benzene ring, benzene ring. So it activates the benzene ring, activates the benzene ring for electrophilic attack, for electrophile to attack, philic मतलब E पॉजिटिव टू अटैक, सो दे एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, मतलब दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बिकॉज वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे के एक्टिवेट करेंगे कि उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाए, वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर ले क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो अपने पास एक ऐसा ग्रुप अटैच है, वैसे अपन सबको पता है कि अगर आपको प्लस एम वाला ग्रुप चाहिए तो मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ऐसा कोई भी एटम, वेरी फर्स्ट एटम जिससे जो बेंजीन से अटैच हो और उसके पास अगर लोन पेयर है तो उसका प्लस एम इफेक्ट होता है, ये अपन को पता है अच्छे से। प्लस एम इफेक्ट किन ग्रुप्स का होता है ये अपन को अच्छे से पता है। So, अब ये ग्रुप जो है, जो ग्रुप्स अटैच होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनकी बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा रिंग पे सो दैट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, वो चेक कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अगर मैं, अब इसका तो प्लस एम इफेक्ट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये तो कॉन्जुगेशन में है क्योंकि डबल बॉन्ड और लोन पेयर वाले एटम के बीच में कोई sp3 नहीं है, मतलब दे आर इन कॉन्जुगेशन, तो इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर लूंगा तो आई विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक लोन पेयर से आपने बॉन्ड बना लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस पे डबल बॉन्ड, ये मेसोमेरिक होगा। फिर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डीरेप्लेस होगा तो इस पे अपन चेक करेंगे बनेंगे, तो भाई ठीक है अपन इस पे बना लेते हैं इसे, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज बन गया, डबल बॉन्ड हो CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर डबल बॉन्ड है, अपन कहेंगे ठीक है जैसे इसमें आपने डबल बॉन्ड शिफ्ट किया वैसे मैं डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, और जैसे आपने इधर से इधर शिफ्ट किया था वैसे इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो अपन को मिल जाएगा ऐसे गेट लाइक दिस, यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो गया, इधर CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और हमको यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज मिल गया। अब जैसे इसमें डिलोकलाइज कर रहे हैं आप, वैसे नेगेटिव चार्ज को यहाँ डिलोकलाइज करता हूँ और इसको वापस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो आई विल गेट अ ग्रुप लाइक दिस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OCH3 बन गया। ये पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए मिथॉक्सी बेंजीन के,
दिस इज मेथॉक्सी बेंजीन, ये इसके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर अपन चेक करेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का अगर अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अपन ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं सो दैट कि वो सभी पांचों स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई यहां डिलोकलाइजेशन था और यहां भी डिलोकलाइजेशन था तो ऐसे बना, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और चार्ज देख लेता हूं भाई, ऑक्सीजन पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहा तो फिर डेल्टा पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज इधर आया और इधर आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज कभी यहां नहीं आया। वी ऑल नो दैट दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज इसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज मेटा पोजिशन, this is also metaposition and this is called paraposition, we all know that niche wala wo paraposition hota hai, tum sabko pata hai। ab agar kisi group ka plasm effect hoga to jab bhi wo benzene ring ko electron dega to ortho aur para position pe negative charge banega। देख लो भाई ये ऑर्थो ये पैरा है, ये ऑर्थो है, मेटा पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं पड़ा। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो कहां अटैक करेगा, तो अपन कहेंगे ज्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोफाइल की कहां अटैक करने की होगी, जहां नेगेटिव चार्ज बनता होगा, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज बनेगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो प्लसम इफेक्ट अगर शो करेगा तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, मैं ये नहीं कह रहा मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा होगा, सभी पोजीशन पे दे रहा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो और पैरा को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है मेटा के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटा पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन के सभी पोजिशन को इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन ऑर्थो और पैरा को ज्यादा देगा एज कंपेयर टू मेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहेगा वो अटैक करने के लिए, क्या इन्फ्लुएंस करेगा वो अटैक करने के लिए, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या कहेगा वो कि इट विल इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोफाइल और डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। राइट, तो अपन कहेंगे an electron releasing group activates or increases the electron density hai, increase the density, the electron density, all the position of the benzene, position of benzene of benzene, right, but it activates or increases electron density more at increase electron density more at ortho and para position position than at meta. So it will direct or influence the electrophile to attack at ortho and para position, to attack at ortho and para. So it is called ortho and para directive group. इसलिए अपन उसे कहेंगे ortho and para directive group. So it is called ortho and para directive group.
पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अपन उसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं अपन उसे। इधर तो मैंने ये कहा था कि भाई हैलोजन्स का माइनस इफेक्ट, पहले अपन ने कहा ऐसे पढ़ा था, हैलोजन्स का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस संख्या, बिकॉज हैलोजन्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उनका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से रादर देन प्लस। सो दे आर राइट कॉल्ड ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप। तो एक एग्जांपल लेके देख लेंगे अपन, पहले आप ये लिख लो फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मतलब कैसे अपन को बता, ठीक है ना? पहले आप लिख लो फिर अपन एग्जांपल की बात करेंगे, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो अब देख एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे लिखते हैं OCH3। तो पहले तो अपन क्या कर रहे थे भाई, अगर अपने पास Cl2 है AlCl3 है तो अपन ने कल सीखा था कि भाई ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, Cl पॉजिटिव बनाएंगे और फिर वो बेंजीन पे अटैक करके क्लोरोबेंजीन बनाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ये ग्रुप जो है वो इसको डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आप कहां अटैक कर सकते हो इजीली, कहां अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, बिकॉज अगर इसके पास वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज दैट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है जिसका प्लस एम या प्लस आई होता है तो फिर उसमें अपन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो अपन उसको जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, अपन इसमें पैरा पोजीशन पे भी सीएल लगाएंगे और ऑर्थो पोजीशन पे भी सीएल लगाएंगे, मतलब फिर दो कंपाउंड बनेंगे जिसमें एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अपन ऐसे बताएंगे। दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये, तो बेंजीन में ऑर्थो पे भी अटैक करेंगे और पैरा पे भी अटैक करेंगे, मतलब दोनों बनेंगे। सो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन मेथॉक्सी बेंजीन है ना, और ये होगा आपका पैरा क्लोरो मेथॉक्सी बेंजीन, दोनों ही बनेंगे बिकॉज दैट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इवन वी राइट लाइक दिस, अगर अपने पास ऐसे भी गिवन होता जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, और बेंजीन में मान लो पहले से कोई ग्रुप अटैच है तो अपन को पता है ये तो प्लस आई शो करेगा, और इसमें अल्काइलेशन कर देते हैं CH3Cl ले लेते हैं AlCl3 ले लेते हैं, तो दिस इज अ फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। कल अपन ने फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा ना, मुझे लगता नहीं बनने पड़ा हुआ। चलो इट विल बी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो एक बार पैरा पे प्रोडक्ट बना देते हैं और एक बार ऑर्थो का बना देते हैं, इसका इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बन जाएगा, तो विल गेट CH2CH3
और इधर बनेगा अपने पास डब्ल्यू बी एक बार सी एच थ्री, विल गेट दिस। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है बेंजीन में, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर इसका इंफ्लुएंस देखना है तो ऑब्वियसली बात करेंगे अपन दिस ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन, the electron density in the benzene ring. So it deactivates the benzene ring, activates the benzene ring, for electrophilic attack. भाई अगर कोई benzene ring से electron withdraw कर ले तो benzene ring will become electron deficient. अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली बात है द रिंग गेट्स डीएक्टिवेट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, देन इट डिक्रीजेस फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सो इट इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, और मेटाड्रेक्टिंग, चलो मेटाड्रेक्टिंग क्यों बोल रहे हैं अपन, मतलब वहां तो अपने और तो पहले नहीं बताया था, बाद में बताया था, तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन से ग्रुप करते हैं। तो अपन को ये तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वो ग्रुप करते हैं जिसमें माइनस एम और माइनस आई होगा, ग्रुप शोइंग माइनस एम एंड माइनस आई, they are the withdrawing. देखो अपन को पहले से अच्छे से पता है कि अगर बेंजीन रिंग से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, अगर उस एटम के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करता है, ये मैंने आपको अच्छे से पहले बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले अच्छे से बताया हुआ, इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रो AlCl3 अटैक करेगा, ये CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल बना तो कहां अटैक करेगा, विनो उधर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इफ इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक अटैक है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे अटैक करेगा। अभी ये बेटर ड्रिंक मेटाडायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो पहले तो अपन इसके ग्रुप्स लिख लेते हैं कि भाई इसका इफेक्ट देख लेते हैं कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्यों, पहले ये चेक कर लें कि भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों बोल रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस ग्रुप के होने से बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और रिंग के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां से देगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा देना, तो अपन इसको डीलोकलाइज करते हैं, अपन को पता है कि जब पहले पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दोगे तो डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, विल राइट लाइक दिस, this is how it shows delocalization, ye positive charge hai, idhar bhi delocalize kar leta to aage we can write like this, idhar positive charge aa jayega, to we can write like और उसके बाद अपन इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो वी कैन गेट लाइक दिस, इधर अपन इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, वी गेट डबल बॉन्ड एच और ई एस के
resonating structures, the five resonating structure of this benzaldehyde. This molecule is called benzaldehyde. Benzaldehyde ke five resonating structures hote hain. The five resonating structures of benzaldehyde. अभी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं. इफ यू राइट द रेजोनेंस हाइब्रिड इट विल बी लाइक दिस. द रेजोनेंस हाइब्रिड और डीलोकलाइज करते हैं अपन ऐसे. इधर भी कॉन्जुगेशन शो किया क्योंकि डबल बॉन्ड बना उधर. दिस इज ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड. दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा. हमने जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां डेल्टा पॉजिटिव लिखा. इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड में यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? क्योंकि इस केस में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज बन रहे थे लेकिन मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन कौन सा होता है? अपोजिट वाला कार्बन एटम. वी नो दैट पार्ट. तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं इसका मतलब है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है रिलेटिव टू मेटा. मेटा पे कम से कम पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा ना. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे पोजिशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लेकिन मेटा से कम करेगा. क्यों? मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. तो मेटा पे अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा इसका मतलब वहां रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा. तो ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है मेटा के कंपैरिजन में. तो अगर मेटा पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को इसमें. तो दिस ग्रुप विल इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन मेटा पोजीशन बिकॉज मेटा पोजीशन इज रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. सो विल राइट दैट एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑल द पोजीशन ऑफ बेंजीन. All the position of benzene. Of benzene. But it decreases more at ortho and para position. Decreases more at ortho and para position. Ortho and para position. Then at meta. So meta position is relatively more electron rich than ortho para. So the group directs the electrophile or influence the electrophile to attack on the benzene, to attack on meta position of the benzene. Meta position of ring. Of ring. That's why it is called meta directed group. Thus it is called meta directed group. It is called meta directing group. ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग लिखा हमने. इट इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डीएक्टिवेटिंग इसलिए बिकॉज़ इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन. सो वी कॉल्ड इट एज अ डीएक्टिवेटिंग. इसलिए अपन ने लिखा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेट सबसे कम होगा बेंजीन के कंपैरिजन में. बट हैलोजन्स के कंपैरिजन में
बेंजीन का रेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो उसका रेट कम होता है। तो फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक बार एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे इधर एग्जाम्पल लिखे ऐसे मेटा वाले का भी एग्जाम्पल लिखते हैं और चेक करते हैं हाउ वी कैन राइट। पहले आप लिख लो फिर अपन उसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप डाउट पूछ लेना। इसी को ले लेता हूं बंजर लेक। और इसका ही क्लोरीनेशन कर लेते हैं अपन, AlCl3 ले लेते हैं। वी नो दैट ये दोनों मिलकर Cl पॉजिटिव बनाएंगे और वो Cl पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करेगा। तो ये वाला जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन पे, हमें उसका नेचर आना चाहिए कि क्या होगा। Since very first atom पे delta positive charge है, ये तो electron withdrawing group है, and that is a meta drifting group, तो अपन को meta position पे attack करना होगा। This is the product of the reaction. ये तो ऐसे ही रहेगा, but meta position पे chloro लिखना होगा तब तो। So it will form meta chloro benzaldehyde. That is the product of the reaction. Meta chloro benzaldehyde. सर कैसे देखा एक बार बताएंगे? किसमें सर कैसे पता किया कि मेटा पे रहेगा, एक और बार बताएंगे? ये लिखो ना, अगर ये बेंजाल्डिहाइड है तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो डेल्टा पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, मेटा पे नहीं करता। तो मेटा इज इलेक्ट्रॉन रिच रिलेटिव टू ऑर्थो पैरा। ओके सर, सारा एक्सप्लेनेशन यही तो दिया मैंने। ओके, तो अगर अपन को ऐसे गिवन है, हमें बस ये आना चाहिए अभी कि भाई जो वेरी फर्स्ट एटम है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपन को पता है कि दैट इज अ मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर वो मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है तो अपन उसमें मेटा पोजिशन पे ग्रुप को अटैक करवा के और बता सकते हैं कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। सो दिस इज मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो अपन कहेंगे मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, दिस इज मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो लाइक दैट वी नो दैट कि भाई थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए कि विच आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, विच आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा दे विल बी द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अपन कहेंगे ओ नेगेटिव है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, NH2 NHR, मतलब वेरी फर्स्ट एटम पे आप देखोगे तो लोन पेयर जरूर होगा। जो भी एग्जांपल मैं लिखूंगा उसमें वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर जरूर है, वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर जरूर है। वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर जरूर है। अमाइड हो गया, वेरी फर्स्ट एटम पे अपन लोन पेयर जरूर है। इस टाइप से पर लिख लेंगे, मतलब सभी में आप चेक कर लो, सभी में लोन पेयर जरूर है, एक लोन पेयर जरूर है जो एटम अटैच होगा बेंजीन से।
और इसमें लोन पेयर नहीं होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। आप देख लो जो भी ग्रुप में लिखूंगा उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। सभी में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। कितना भी ग्रुप में लिखूं उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। जो भी ग्रुप में लिखूंगा उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा। These are metadata group. तो इतना अपने लिए काफी होगा अभी। बाद में अपन एक बार और जब डिस्कस करेंगे थोड़ा और एक बार, तो मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है आपको। अभी आप इतना ध्यान रखो कि अगर वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है तो इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीज। ठीक है ना, म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो विल गेट मतलब ये आप याद रख लो थोड़ा सा, इन सभी में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख लो आप, तो ये बेटर है। सब डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस सभी में होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब एक बार तुम लोग मुझे ये बताओ कि कल मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था क्या आपने कल? एक बार बताओ ना। सर नहीं पढ़ा था। नो सर। क्योंकि मुझे याद था यार कि अपन ने फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन शायद डिस्कस नहीं किया है, तो मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा उसको, है ना, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन को। ठीक है, तो ये अपन एक बार फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं। The catalyst used in the reaction is anhydrous AlCl3 और Friedel-Crafts reaction में दो टाइप से पढ़ते हैं। These are of two types. जो Friedel-Crafts reaction होते हैं वो दो types होते हैं। एक होता है Friedel-Crafts alkylation reaction. Alkylation reaction. और दूसरा होता है Friedel-Crafts acylation reaction.
क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, ये दो टाइप्स होते हैं। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं व्हाट इज फ्रेडरिक एल्काइलेशन एसाइलेशन, और दोनों को मतलब एक साथ ही यहीं पढ़ लेते हैं कि भाई कैसे अपन को रिएक्शन बनाना होता है वो अपन बताते हैं। अब एल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बेंजीन को रिएक्ट करूंगा एल्काइल क्लोराइड के साथ, मतलब मैंने बेंजीन को रिएक्ट किया, या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकता है जैसे ये ग्रुप वगैरह पर अभी अपन ने देखा, ये एल्काइल क्लोराइड है या कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, बीआरबी हो सकता है, आईबी हो सकता है, तो हैलाइड लिख देता हूं और इसको रिएक्ट करता हूं AlCl3 के साथ। तो इसमें से Cl अपन इसको प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे, दैट इज ऐसे, जो इसका एल्काइल ग्रुप होगा वो इस पे लिख देंगे और यहां पर अपन लिख लेंगे HCl, दिस इज अ कैटलिस्ट है, अपन ने लिखा दैट इज अ कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH2 Cl, या पहले अपन ऐसे कर लें कि भाई अपने पास गिवन है RCl, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं इसका कि सर आपने किया कैसे, तो अपन से पूछ सकते हैं तो अपन लिख सकते हैं RCl था, इसको मैंने AlCl3 से रिएक्ट करवाया, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोहिस एसिड है और ये लुईस बेस होता है, और ये भी लुईस एसिड और बेस के रिएक्शन से ही अपन ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ये इससे रिएक्ट करता है, तो वी गेट आर सी एल, दो लोन पेयर तो बचेंगे, एक लोन पेयर ये दे लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका इसको दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसको दिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर अपन ने थोड़ा सा इसको हीट किया तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज था तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, आर पॉजिटिव जनरेट होगा, AlCl4 जनरेट होगा, जैसे Cl2 से भी तो ऐसे रिएक्शन करते थे, दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, विल गेट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो H+ साइन आएगा वो इससे रिएक्ट करके HCl बना देगा, AlCl3 इज अ कैटलिस्ट। फ्री कार्बोकैटायन इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट, ये कार्बोकैटायन जो होता है वो इंटरमीडिएट जैसे फॉर्म होता है, इज फॉर्मड एज इंटरमीडिएट, एज इंटरमीडिएट, मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और, कि भाई मेरे पास बेंजीन है, अब बेंजीन को मैंने रिएक्ट करवाया CH3 CH2 Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अपन को पता रहेगा AlCl3 ने इस पे अटैक किया होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां पॉजिटिव चार्ज बना होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक किया होगा तो विल गेट द प्रोडक्ट इथाइल बेंजीन बन जाएगा, ये इथाइल बेंजीन बन गया। और जरूरी नहीं कि अपन कहेंगे भाई अपन बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप ऐसे ही लगा सकते हैं, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन अगर अपन को बनाना है तो अपन कार्बोकैटायन ऐसे ही बना सकते हैं, बेंजीन का एल्काइलेशन होगा वो, लेकिन वो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। मान लो मेरे पास ऐसे ही है और मैंने इसको H2SO4 से रिएक्ट कर दिया, अपन को पता है ये अटैक करेगा कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है वही कार्बोकैटायन तो बेंजीन पर अटैक करता है, तो जरूरी थोड़ी है कि फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन से ही बनाऊंगा एल्काइलेशन, मैं तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें मुझे कार्बोकैटायन बना लूंगा मैं रिएक्शन कर दूंगा, तो अपन कहेंगे ठीक है ये तो अपन ने पढ़ा हुआ, जैसे HCl का एडिशन, HBr का एडिशन, एल्कीन में वो सब पढ़े हुए अपन ने, ये तो कार्बोकैटायन बना रहा है तो कार्बोकैटायन बनेगा तो विल राइट लाइक दिस, ये लो जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगा, विल गेट द आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना अपने पास, H2SO4 तो कैटलिस्ट, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल था वो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे बनेगा, ये
ये बन क्या होगा, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा विल गेट द सब्स्टिट्यूशन, उस टाइप से अपन बना सकते हैं। जैसे एल्काइलेशन रिएक्शन होता है वैसे ही एसाइलेशन रिएक्शन होता है। सो एसाइलेशन रिएक्शन में अपन कहेंगे इसमें या तो कार्बोकैटायन बना था एज अ इंटरमीडिएट अपन ने बताया और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, तो बेंजीन रिंग में इफ यू राइट लाइक दिस RC डबल बॉन्ड ओ सी एल और इसको AlCl3 से रिएक्ट करवाते हैं, इसमें भी सेम वे ये अटैक किया होगा, कार्बोकैटायन बना होगा, वो कार्बोकैटायन बेंजीन से रिएक्ट करेगा, विल गेट दिस, बेंजीन पे अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हटा देते हैं, इसका एक हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज से रिप्लेस कर पाते हैं, मतलब थोड़ा सा अगर अपन मैकेनिज्म देखना चाहें तो देख लो आप, RC डबल बॉन्ड ओ Cl रहा होगा, इसको अपन ने AlCl3 से रिएक्ट करवाया है और जैसे अपन ने उस पर रिएक्ट करवाया था वैसे इसमें रिएक्ट करवा देते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये अटैक करेगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो डायरेक्टली अपन बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 नेगेटिव चार्ज, ये बन जाए, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा दिस इज कॉल्ड एसाइलेमाइन, तो इसमें एसाइलेमाइन फॉर्म्स एज अ इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद ये रिएक्ट करता है किसके साथ, जो प्रोटॉन लीक करेगा वो प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा तो इसका एक सीएल और एच HCl बना देता है, ये लिखना ज्यादा जरूरी है, ये लिखना जरूरी नहीं, सो वी राइट दैट एसाइलेम आयन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, is formed as intermediate। अब अपन कहेंगे ठीक है हमारे पास अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल अपने से और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है OCH3 और इसको मैंने रिएक्ट किया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, अपन को पता है ये अटैक करेगा, ये ब्रेक होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पे अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो कहेंगे देखो पहले तो सिर्फ बेंजीन था तो कहीं भी अटैक करवा दो, लेकिन अभी तो अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो कहां अटैक करना चाहिए, तो अपन कहेंगे ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, लो भाई फिर तो मैं ऐसे बनाऊंगा, एक बार पैरा पे अटैक कर लेते हैं और एक बार ऑर्थो पे अटैक कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, उसमें पहले से प्रेजेंट था ना, अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता तो अपन तो सीधा सीधा कार्बोकैटायन बना के अटैक करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे ना भाई, अगर ऐसे होता अपन को ऐसे के बिना होता, मान लो ये है ना, अब अगर मान लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास ऐसे की बने होता है, पहले से ऐसे की बने CH2CH3, अब फिर अपन ने एसाइलेशन किया, कोई भी एसाइलेशन हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि ऐसे हो, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, इसको AlCl3 से रिएक्ट करूंगा, ये अटैक करेगा, ये ब्रेक होगा, मुझे कार्बोकैटायन इधर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अब ये ग्रुप प्लस एम शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो फिर मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक बार ऑर्थो पे बना देता हूं और एक बार पैरा पे बना देता हूं, ये पैरा पे लगा लिया, एक बार पैरा पे लगा लिया, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, प्लस एक बार ऑर्थो पे लगा लेता हूं, ये लो भाई ये प्रोडक्ट, आइयो पैक नेम लिख लेंगे, कीटोन्स है ये वाला पार्ट, कीटोन
पैरामिथाइल इसमें लिख लेंगे अपन, ये 1 2 3 4 5 6 पैरामिथाइल, इसको बेंजोफिनोल लिख लेंगे अपन, तो वो अपन आइबेक्टिन लिख लेंगे। बट अगर मुझे ऐसे गिवन है, अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है और मैंने इसमें एल्काइलेशन किया या एसाइलेशन किया, एएलसीओ तरीके से, तो नो रिएक्शन। इवन अगर मैं एल्काइलेशन भी करता तब भी नो रिएक्शन, इसमें एल्काइलेशन भी करता तब भी नो रिएक्शन। अगर बेंजीन रिंग पे मेटाडरिकिंग ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, मेटाडरिकिंग है, ऑर्थो पैरा नहीं, ऑर्थो पैरा में तो किया मैंने, इसमें अगर ऐसे भी प्रेजेंट होता ना बंदो, इधर ऑर्थो पैरा होते तो होता। इफ meta directing group is already present on the benzene ring then Friedel-Crafts reaction do not take place। अब अपन को कैसे पता चलेगा meta directing? हाँ, थोड़ी देर पहले आपने बताया तो था कि बेंजीन रिंग से जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच है, अगर उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो वो मैटर अट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि वो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन नहीं होता। इतना काफी है। आप हाइड्रोकार्बन सॉल्व कर सकते हो पूरा प्लास्टिक ऊपर ने, मतलब मैंने वैसे बोल दिया, वैसे भी मुझे पता था आज क्लास है और तुम लोग उतना तो सॉल्व नहीं करने वाले अब तक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अपन को तभी मिलते हैं जब हाइड्रोकार्बन के आप मोर देन 10 टू 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अपना होमवर्क है, अपना जो होमवर्क है वो हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाँ हाइड्रोकार्बन खत्म, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मैंने उसके 1 to 17 क्वेश्चन करने के लिए कहा था, और हाइड्रोकार्बन्स, वन टू थ्री। अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड वाला है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड वाला है, ठीक है, तो उसने हाइड्रोकार्बन को अलग अलग चैप्टर्स टाइप बना दिया, एल्केन एल्कीन एंड अल्काइल्स, वो अलग अलग चैप्टर्स बनाए और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये अलग चैप्टर्स हैं, ये आपके सारे चैप्टर खत्म हो गए इसमें, और उसको एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर बना के, तो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ये सारे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से, और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं वो हाइड्रोकार्बन पूरा सॉल्व करेंगे, क्लास में डिस्कस करूंगा दोनों। मतलब अपना 11th का ओसी खत्म हो गया और मुझे डिस्कस करना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मैंने आपसे कहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप पढ़ लेना, मैं डाउट क्लास लगाऊंगा,
जिसमें अपन ये सारे डिस्कस करेंगे। जल्दी हो जाएगा डिस्कशन, ज्यादा नहीं होता है इसमें, मुझे बस कन्वर्जन करवाने, क्योंकि जिस दिन डिस्कस करूंगा उस दिन फिर कन्वर्जन भी करना होगा, पढ़ेंगे नहीं फिर तब, कन्वर्जन सीखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है राइट, अब कोई पूछ सर इथाइल ग्रुप। हाँ बोलो बोलो सर। इथाइल सर इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होता है, आप एक बार बता सकते हैं सर बी वाले में, एग्जांपल बी में। ये ले बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा कहा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा कार्बन है वन और टू में से, बोलो भाई। ओके सर अब समझ, ठीक है ना, लेकिन ये जरूरी है पूछ लेना है तुमको, अगर कोई डाउट है ना लिख दो मैं जरूर बताऊंगा 100% ना, और उसको पूछ लिया करो। अब वो भी हो गया, दूसरी बात मैं ऐसे भी बोल सकता था पता, मैंने इजीएस्ट वे निकाला हो भाई, अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये सैचुरेटेड है sp3, तो मैं बोल सकता था ना ये हाइपर कंजुगेशन होगा ना, हाइपर कंजुगेशन। और कहते हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, मैंने तो इंडक्टिव इफेक्ट ही बता दिया, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट तो वीकेस्ट इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ज्यादा बताते हैं, नहीं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। अभी बहुत सारे पार्ट में मैं खुद भी चूक हूं बेटा, मतलब क्योंकि वर्ड बोलूंगा उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन हाँ तुम कुछ पूछोगे तो मैं उसको उतना तो आपको बता चुका हूँ कि उससे आपको बता दूंगा कि देखो मैं इतना आपको बता चुका हूँ, जितना अपन ने पढ़ा ना क्वेश्चन उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें अपन किसी क्वेश्चन में रुकेंगे। तुमने कहा क्विकल स्ट्रक्चर बताओ, अब वैसे तो बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, दीवार अपना स्ट्रक्चर देता है, क्विकल अपना स्ट्रक्चर देता है, और भी स्ट्रक्चर होता है, कोलबेज अपना स्ट्रक्चर देता है, सब अपने अपने स्ट्रक्चर देते हैं। क्विकल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है वो ऑल्टरनेट बॉन्ड वाला पार्ट जो है ना, दीज आर कॉल्ड क्विकल स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इनको कहते हैं क्विकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय क्विकल। तो ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है, अपन को तो पता है पहले से, क्विकल कहता है कि भाई बेंजीन के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सब इक्वल इसलिए है आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एरोमेटिक, वो इतना फास्ट इसमें डीकैलकुलेट होता है ना कि अपन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि कब पॉजिटिव था, कब वहां सिंगल बॉन्ड था, कब डबल बॉन्ड था। ठीक है ना, अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, वरना मैं एस ब्लॉक शुरू करूंगा। एस ब्लॉक शुरू कर लेते हैं अपन, और फिर अपन डाउट्स भी बीच बीच में कर लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में तो एस ब्लॉक भी आने वाला है। पी ब्लॉक अपन रोक लेंगे, और पी ब्लॉक से पहले अपन क्या करेंगे ना, एस ब्लॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना, नेक्स्ट वीक में एस ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा और वो भी शुरू हो जाएगा अपना, मतलब थर्मो अपन क्या करेंगे, आयनिक आयनिक से पहले अपन थर्मो शुरू कर लेंगे, चलेगा ना। हाँ सर ठीक है ना, और फिर अपन थर्मो के बाद आयनिक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सारे ही चैप्टर करने हैं, कोई भी करवा दो पहले। तो शुरू करते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अब एस ब्लॉक एलिमेंट में मैं क्या करूंगा ना, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल को अलग अलग पढ़ाऊंगा, अल्कली मेटल्स और अलग अलग क्या बोल रहे हैं सर, सजेस्ट कर सकते हैं हो आप, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, कर चुके हो तो उसका रिवीजन कैसे करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है रिवीजन कैसे करना, चलो करना है तो ठीक है ना भाई, आपको मतलब रिवीजन ऐसे ना देख,
आप सबसे पहले शुरू करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है ना तो आप सिर्फ क्वांटम नंबर्स को रिवाइज करना, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पूरा आपको एक्सरसाइज 1 और 3 रिवाइज करना चाहिए, 1 और 3 एक्सरसाइज रिवाइज करना चाहिए। गैसियस स्टेट में अगेन एक्सरसाइज 1 और 3, सभी का एक्सरसाइज 1 और 3 अगर रिवाइज करना चाहिए, जैसे अपना टेस्ट है कल तो फिर ये वाले पार्ट आपको रिवाइज कर लेने चाहिए टेस्ट के लिए, एक्सरसाइज 1 और 3। अगर कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी अपना खत्म हो गया, मतलब 11th क्लास का तो केमिस्ट्री खत्म हो गया ऑलमोस्ट, अपना थर्मोवर बचा हुआ है बस, खत्म ही बोल सकते हैं दोनों से, क्योंकि थर्मो में पूरा पढ़ाऊंगा वो वैसे नहीं करूंगा कि भाई रिवाइज करेंगे ये करेंगे वो नहीं, मैं तो सीधा पढ़ाऊंगा थर्मो मतलब खत्म, जैसे ये एस ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ खत्म, हाइड्रोजन भी हो गया अपना। तो आपको ना एक्सरसाइज 1 और 3 अच्छे से कर लेना चाहिए। मैं ये वाला पार्ट जब रिवाइज करूंगा ना वापस, जैसे मैंने बोला कि मैं रिवीजन करूंगा तो फिर मैं डीपीपीस करूंगा, अभी अपने डीपीपीस बाकी, तो फिर मैं उस टाइम डीपीपीस डिस्कस करूंगा, आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस दूंगा उस टाइप से। तो एक्सरसाइज 1 और 3 सभी के करो आप। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम जाए ना कि उसका, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी होता है किसी किसी का, हाइड्रोजन का शीट किसी को नहीं मिला, चर्चगेट वालों को क्या है ही नहीं हाइड्रोजन का शीट, हाइड्रोजन सिर्फ एनसीईआरटी में है, उसकी शीट नहीं, आइडियल गैस का भी नहीं मिला, नहीं आइडियल आइडियल गैस का रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आइडियल गैस का तो सबको मिला है, ऐसा कोई नहीं है जिसको आइडियल गैस नहीं मिला, अगर किसी को नहीं मिला है इसका मतलब उसने लिया नहीं सेंटर से, सबको मिल गया। सिर्फ पीडीएफ मिला नहीं यार, ऐसा तो नहीं था। अच्छा जबकि चर्चगेट में तो ज्यादा है मटेरियल, मुझे मतलब उस दिन मैं गया था तो वहां से लेके आना पड़ा। अच्छा पूछता हूँ मैं अकबर सर से पूछ लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर शीट, क्योंकि शीट तो है शायद आइडियल गैस का, देख लो उसका कौन सा गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट का, हाँ वही गैसियस स्टेट उसका नाम है, आइडियल गैसेस नहीं नाम है इसका। अच्छा हमने कहा पीडीएफ शेयर करेंगे, चलो ठीक है फिर पूछ लेंगे। मैं भी पूछ लूंगा आपसे। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में अपन आज ग्रुप 1 पढ़ेंगे, दैट इज अल्कली मेटल्स। एनसीईआरटी का कैमरा ज़ूम हो गया। अच्छा अपन अल्कली मेटल्स पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर गिवन है एस ब्लॉक करके, लेकिन अपन उसे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल अपन अलग अलग पढ़ने वाले। तो ठीक है पहले अपन अल्कली मेटल्स पढ़ते हैं फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स में एक तो अपन को उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी होती है, जो अपन को एक आउटलाइन जैसे लिखते हैं अपन अल्कली मेटल्स में, एक तो केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ना होता है उनका और फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने होते हैं। अल्कली मेटल में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी होती है। तो ग्रुप 1 में लिथियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रेंशियम होता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंशियम होता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव मतलब ये भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है इसलिए अपन उसे पढ़ते ही नहीं फ्रेंशियम। अब अपन कहेंगे जैसे इनकी वैलेंसी वगैरह अपन को जानने की जरूरत नहीं सर, +1 वैलेंसी होती है बस। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो अपन क्लास में लिखे, जो अपन क्लास में लिखेंगे ना
अपन को इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हो सकता है शीट में बहुत ज्यादा गिवन हो, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें अपन को क्लास में पढ़ाया जाए, क्योंकि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता इससे जितना अपन क्लास में पढ़ेंगे। अगर अपन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मैं इंक्रीज को ऐसे लिखूंगा और डिक्रीज को ऐसे लिखूंगा कभी कभी, तो इंक्रीजेस मतलब डिक्रीजेस अपन को पता रहेगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अपन कहेंगे चलो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब है कि मास में इंक्रीज ज्यादा होता होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम के, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज भी तो बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम में उतना चेंज नहीं आता जितना मास में चेंज आता होगा। तो ये ज्यादा बढ़ता है इसके कंपेरिजन में, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है उसकी, राइट ना? तो अपन बता सकते हैं डेंसिटी इंक्रीज होगा इफ वी गो डाउन द ग्रुप। मैं टेबल नहीं बना रहा, मैं तो ऐसे डेंसिटी के ऐसे बस लिखा था अपन ने, बस ऐसे लिख लिखा, एक एक पॉइंट में लिख लेंगे बस। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड्स हैं तो ऑब्वियसली बात है मेल्ट होंगे, ऑल आर सॉलिड्स, तो पहले अपन को मेल्ट करना होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर अपन चेक करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ डिक्रीजेस डाउन द वो इसलिए कि अगर छोटा आयन होगा, छोटा एटम होगा तो पैकिंग ज्यादा होगी, अगर छोटा एटम होगा तो पैकिंग ज्यादा होगी, बिकॉज पैकिंग ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डिक्रीज इन पैकिंग ऑफ एटम्स। So, लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीजियम के। अपन ज्यादा फ्रेंशियम को डिस्कस नहीं करेंगे, वो रेडियोएक्टिव होता है, उसके वैसे भी कंपाउंड अपन बना नहीं सकते, सॉल्यूशन बना नहीं सकते, इसलिए उसको ज्यादा नहीं पढ़ते। प्लस वन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं भी लिखेंगे तो भी पता है अपन को, वैलेंसी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है ना अपन को, एन एस वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताने की जरूरत नहीं है। मुझे एटॉमिक रेडियाई बताने की जरूरत नहीं, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई बताने की जरूरत नहीं, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्शन, वैसे तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में लिखा है इन एक्वस सॉल्यूशन, सीजियम का ज्यादा होता है रुबिडियम से ज्यादा होता है, मतलब कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है लिथियम का, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ लिथियम, हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसमें अपन ने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था इसमें लिथियम के लिए। ये वाला थर्ड वाला पॉइंट जो है ना, वो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कंपाउंड का कंडक्टेंस लिखा हुआ है कि अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बैठेंगे तो उसका मूवमेंट स्लो होगा, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। फ्लिम टेस्ट, हम इसको सॉलिड को प्लेटिनम वायर पे लेते हैं और बंसन बर्नर, जो स्कूल में बर्नर होता ना उसमें अपन उसको गर्म करते हैं बंसन बर्नर। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, उसको कहते हैं पर फ्लेम टेस्ट। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जनरली तीन ही देते हैं फ्लेम टेस्ट, बाकी भी देंगे रुबिडियम और सीजियम, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही कम है। इसमें जो पिंक कलर होता है, इसमें पिंक कलर होता है फ्लेम का, अगर अपन फ्लेम टेस्ट लगाएंगे तो इसका येलो कलर होता है, गोल्डन येलो बोलते हैं अपन उसे, ये वायलेट कलर होता है फ्लेम टेस्ट, उनका रेड कलर होता है क्रिमसन रेड जैसे, ये वायलेट रेड हो जाए थोड़ा सा रेडिश आ जाए, और इसका ब्लू कलर इन अ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में ये तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं,
आप उसको जैसे मर्जी चाहो, तीनों के फ्लेम टेस्ट आपको याद होने चाहिए। मुझे मतलब क्योंकि केमिस्ट्री में काफी जगह यूज होता है, इसलिए मैं इस पार्ट को ऐसे ही ध्यान रखता हूँ, पीवाईवी जैसे कि भाई देखो लिथियम विथियम ये देखो काफी इंपॉर्टेंट होता है इनके फ्लेम टेस्ट तीनों के, तो पीवाईवी जैसे याद रहता है मुझे, ये पिंक है, येलो है और वायलेट है, क्योंकि इनके फ्लेम टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है तीनों के, वही पूछते हैं मुझसे। राइट, कभी कभार फ्लेम का कलर लाइलेक भी बोलते हैं लोग पोटेशियम। हाँ तो वो वायलेट जैसे ही होता है, थोड़ा सा रेडिश वायलेट हो जाएगा तो लाइलेक कलर हो गया, लाइट कलर हो जाएगा तो लाइलेक कलर बोल देंगे उसको। हाइड्रेशन अपन को ऑलरेडी पता है, राइट, वो सो अपने स्पेसिफिक कलर्स होते हैं उनके फ्लेम टेस्ट के। अगर ये कलर आया, अगर वो इनमें से अल्कली मेटल मान लो मिक्स करके रख दें तो फ्लेम टेस्ट से अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लिथियम है, कौन सा सोडियम है, कौन सा पोटेशियम है। दैट इज द यूज ऑफ फ्लेम टेस्ट। बाकी थोड़ा सा और भी फ्लेम टेस्ट में आगे आएगा तो बताऊंगा थोड़ा और एकदम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी है जिन पे फोकस करना है, फ्लेम टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने सीधा याद करने के लिए बोला। हाइड्रेशन अपन को पता है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी अपन ने लिखा, कंडक्शन और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी अपन को पता है, दैट इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर चार्ट सेम है तो साइज अगर छोटा होगा तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मुझे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, ना ही एटॉमिक रेडियस बताना, डेंसिटी बता दिया तो मुझे हीट ऑफ एटमाइजेशन भी नहीं बताना। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू द एटम, वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू एटम, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ जो पार्ट अपन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है, वो ब्रैकेट में लिख भी देंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू एटम्स, गैसियस एटम्स, और सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली तो अपन सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, that is heat of atomization। मुझे ना तो atomic radius बताना है, ना ionization energy बताना है, top to bottom क्या होगा variation, वो अपन सबको पता है, ना ही मुझे screening effect बताना है, ना ही मुझे side effect बताना है। top to bottom side effect क्या होगा, तो अपन कहेंगे जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और क्या भाई, जेड इफेक्टिव का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज। अपन ने क्लास में पढ़ा भी है स्लेटर्स रूल, इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, इसका 2.2 आ जाएगा, ये 2.2 फिर कांस्टेंट हो जाता है सोडियम के बाद, इधर से 2.2 ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है। इसमें अपने लिए ये वाला पार्ट रिवाइज करना है बार बार, और हाइड्रेशन वाला पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये रिवाइज करना है अपन को बार बार। मतलब दो पॉइंट अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बाकी को नहीं बताया, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन, वी कैन राइट लाइक दिस, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऑब्वियसली बात है, टॉप टू बॉटम आओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ का तो पुअरेस्ट होता है। हीट ऑफ एटमाइजेशन आप ये लिखा तो है ट्रेंड, भाई एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ना, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा
उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि मेल्ट होगा तो गैस में जाएगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, छोटा एटम है तो पैकिंग ज्यादा होगी, छोटा एटम है तो पैकिंग ज्यादा होगी, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अपन को रिक्वायर्ड है। जेड इफेक्टिव यहां से यहां तक बढ़ेगा, ये 2.2 होता है, उसके बाद कांस्टेंट है, ये भी 2.2, ये भी 2.2, ये भी 2.2, वो अपन ने पढ़ा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो पहले अपन कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑफ ऑक्साइड्स इसी में अपन एक पॉइंट डिस्कस कर देंगे, हाइड्रोक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो। ऑल अल्कली मेटल्स आर रिएक्ट्स विद, रिएक्ट्स डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, डायरेक्टली विद O2 टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, with O2 to form metal oxide. अगर लिथियम है लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हीट भी करोगे तब भी कुछ नहीं बनेगा, यही होगा। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट विल फॉर्म सोडियम परऑक्साइड, इसको O2 के साथ रिएक्ट करूंगा अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नो रिएक्शन, बस ये परऑक्साइड तक बनाएगा। पोटेशियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा It will form K2 और 200 degree centigrade पे K2O2, लेकिन अगर इसको 500 degree centigrade पे heat करूँगा तो it will form KO2 that is superoxides, it forms superoxides। Superoxides can be only formed by this or rubidium or cesium, ये भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड, तो अपन कहेंगे सुपर ऑक्साइड बिकॉज वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो परऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, पहले सुपरऑक्साइड लिख लेते हैं, देन परऑक्साइड, देन ऑक्साइड्स। तो रिएक्शन लिखा बने ऑक्सीजन के साथ, All oxides are basic in nature. Oxides are basic in nature. Obviously, but alkali oxides are basic in nature. When dissolved in water, they form hydroxides. When dissolved in water, they form hydroxides.
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ लिख लेते, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। सो जब अपने पास कोई मेटल ऑक्साइड होगा ना, ऑल मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे कन्वर्ट इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर बेस। सो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर अपन, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज लेस बेसिक देन सीजियम हाइड्रोक्साइड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूंगा तो सेम, बिकॉज ऑफ आयनिक करेक्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड। स्टेबिलिटी मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे लिख सकता हूं, यहां तो थर्मल स्टेबिलिटी अपन को पता है, द स्टेबिलिटी मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी है। Thermal stability of hydroxides that will depend on ionic character, na? Stability of hydroxides. वो भी वैसे होगा, lithium hydroxide is less stable than cesium hydroxide. अब कोई पूछ रहा है सर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट क्यों नहीं करता, वो डिपेंड करता है साइज पे। भाई ऑक्सीजन का साइज ये था ऑक्साइड, ये बड़ा है और लिथियम छोटा है, तो ये ज्यादा लिथियम को अट्रैक्ट कर सकता है। सोडियम का साइज और ऑक्साइड का साइज नियरली सेम आ जाता है, ऑक्साइड बना, तो जब इसका साइज बढ़ेगा ना कैटायन का साइज, तो ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एक एटम एक को अट्रैक्ट कर। पोटेशियम के केस में कैटायन का साइज ऐसे हो जाएगा और सोडियम का वो ऑक्साइड का साइज ऐसे, तो अब ऑक्सीजन ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा ये बड़ा कैटायन, इसलिए वो वेरिएशन वैसे हो जाता है। कैटायन का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर पाएगा, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। So all oxides are basic in nature, they will be like this. Except lithium hydroxide, all are strong base. Lithium oxides जो होते हैं, lithium hydroxide is a weak base, बाकी अपन सभी strong base में लेते हैं। और पढ़ा भी अपन ने, strong base ही पढ़े हुए हैं अपन ने, वीक तो पढ़ा भी नहीं करने। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है भाई किसी को जलाएंगे तो डिकम्पोज होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल है, 1000 डिग्री हीट करोगे तो ही डिकम्पोज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किससे बताओगे तुम स्टेबिलिटी, भाई ये रखा हुआ है बताओ ये स्टेबल है कि नहीं, हमें कैसे पता स्टेबल है, जला के देखते हैं, जल्दी जल गया तो कम स्टेबल है, मुश्किल से जला तो ज्यादा स्टेबल रिलेटिवली, है ना, अपन तो जला के देखेंगे। और क्या अगर मैं रिएक्शन विद एयर की बात करते हैं, देखो ध्यान रखना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हो या एयर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। अगर लिथियम को एयर के साथ हीट करूंगा तो फिर लिथियम तो ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है, और अगर सोडियम को एयर के साथ रिएक्ट करूंगा तो फिर ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और हीट करोगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एयर के साथ तो Na2O2 बना देगा। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स और वी कंसीडर कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज नाइट्राइड्स आर कोवेलेंट,
They do not form covalent compound. Nitrates are covalent in nature. तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम कभी कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकते। कभी वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकते। दिस इज अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये अपन को पता होना चाहिए। नाउ वी कैन राइट दैट देयर हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स में विल राइट दैट ऑल मेटल हीटेड विथ हाइड्रोजन विल फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। सबके सब मेटल के साथ हीट करोगे ना, हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे ना, सब मेटल हाइड्राइड बनाता है, जिसमें मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। होना ही चाहिए। ट्रस्टेबल सीरीज में अल्कली मेटल पहले आते हैं, हाइड्रोजन बाद में आता है, और अल्कली मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है था अपने ट्रस्टेबल सीरीज में। राइट, सो दीज आर मेटल हाइड्राइड्स। अब अगर अपन कहेंगे भाई टेंडेंसी टू फॉर्म ऑफ मेटल टू फॉर्म हाइड्रेट सबसे ज्यादा टेंडेंसी लिथियम की होती है, फिर सोडियम की, फिर सीजियम की, मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। रीजन, क्योंकि लिथियम हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वो छोटा साइज होने की वजह से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स, तो लिथियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सोडियम हाइड्राइड, फिर उसके बाद लाइक दैट वी कैन राइट सीजियम हाइड्राइड। दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी उसमें ड्यू टू लैटिस एनर्जी। सो दिस इज ड्यू टू लैटिस एनर्जी। वो लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी चाहता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है और इसलिए वो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट, जब अपन इसको पानी में डालेंगे ना तो ये H नेगेटिव देगा, ये M पॉजिटिव देगा। H नेगेटिव इज बेसिक इन नेचर। तो फिर ज्यादा बेसिक वो होगा जो जल्दी एच नेगेटिव दे, फिर तो जल्दी एच नेगेटिव वो देगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो एच नेगेटिव जल्दी निकल जाएगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। Cesium hydride, all hydrides are basic in nature. They will be the base, stronger base than NaOH. If I write that NaOH jada strong base hoga, ya NaH jada strong base hoga, NaH will be stronger. Aisa nahi hai ki NaOH hi hamesha strong bases hota hai. Nahi, wo to depend karta hai relatively ki apan hydroxide ko generally basic bolte hai. Aur bhi strong, NaNH2 is a stronger base. Apan ne dehydrohalogenation mein padha na. एल्कोहलिक KOH लिया था तो हीट करना पड़ रहा था, डिहाइड्रोहैलोजनेशन में NaNH2 में हीट नहीं करना पड़ा, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट्स। अब मेटल हाइड्रेट में H नेगेटिव कौन देगा, इट विल बी H जिसमें नेगेटिव चार्ज है। On electrolysis of hydrates, metal hydrates, M positive है तो cathode पे deposit होगा और H negative anode पे,
मतलब एनोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता। द एच टू गैस इज लिबरेटेड एट एनोड and metal is deposited at the cathode, as is deposited at the cathode, at the cathode. Electrolysis अपन ने पढ़ा, जब हाइड्रोजन पढ़ाया था तो मैंने electrolysis काफी बार बताया, बहुत सारा electrolysis बताया, अब बोलूं तो फिर से बता देता हूँ, अपन electrolysis काफी सारा पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइसिस काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, नोट कर लो आप। तो मेरे ख्याल से मैं छोटा सा पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे अपन ने लिखा था ना कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इधर बैटरी डिसाइड करता है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। जो नेगेटिव एंड होता है ये पॉजिटिव एंड, बड़ा वाला पॉजिटिव एंड छोटा वाला नेगेटिव एंड, ये कैथोड होगा ये एनोड होगा। तो अगर अपने पास एनोड मतलब नेगेटिवली चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये इस पर डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पे तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन इधर इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, है ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऐसे होगा। तो अपन ने इसलिए लिखा कि एनोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है और कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होता है। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, ऐसे सेल्स अपन ने काफी बार पढ़े। वो बात ध्यान रखना, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एसिड्स में कैथोड पे लिबरेट होता है, लेकिन इसमें एनोड पे हो रहा है, इसलिए गलती नहीं करना। वो इसलिए मैंने बना के दिखाया आपको कि हम गलती नहीं करना। दैट इज अबाउट द हाइड्राइड्स, व्हाट वी रिक्वायर। हाइड्राइड में अपने लिए उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनका बेसिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी, ऑब्वियसली बात है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो टेंडेंसी ज्यादा होगा, ये दोनों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ size of lithium and sodium, they form complex compounds, compounds like lithium aluminium hydride बोलते हैं अपन उसे, या फिर sodium boron hydride बोलते हैं अपन उसे, which are very good reducing agent, which are good reducing agent. Good reducing agent, which are very good reducing agents. इतना काफी है अपन को hydrides में, इससे बाहर अपन को question नहीं आएगा hydride में। ये दोनों ही compounds organic chemistry में बहुत पढ़ना आता है अपन को, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं लिखा, वो अपन बस इतना याद रख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी अगर स्कूल में कोई question आ गया या अपन को कोई question solve कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा अपन को। अब अपन बात करेंगे हैलाइड्स की, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स में ऑल हाइड्रोजन दैट इज हैलोजन्स, ऑल मेटल रिएक्ट विद डायरेक्टली रिएक्ट विद राइट ना हैलोजन्स, ऑल मेटल्स
with halogens F2Cl2Br2I Br2 and I. They will react with this to form metal halides. For metal halides, reacts to form metal halides. Reactivity of halogens hamesha ek jaisa hi hota hai. Wo maine pehle aapko bataya halogenation of alkene. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स कभी चेंज नहीं होता, चाहे किसी के साथ भी रिएक्ट करो. फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, चाहे आप एल्केन के साथ रिएक्ट करो या बेंजीन के साथ रिएक्ट करो, किसी के साथ भी रिएक्ट करो, रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से. ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता ही रहता है, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करेगा हमेशा. लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन अल्कली मेटल्स तो अपन कहेंगे सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी रुबिडियम से, राइट ना, पोटेशियम से, सोडियम से, लिथियम से. दिस इज हाउ वी कैन शो द रिएक्शंस. अब इसमें जनरली जो जनरली वी से दैट जो हैलाइड्स होते हैं, मतलब मेटल हैलाइड, किसी के साथ भी हैलाइड्स बनाओगे तो दे आर आयनिक कंपाउंड. जनरली ऑल दी हैलाइड्स आर जनरली ऑल दी हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर. They are ionic in nature and soluble in water. In water. But lithium fluoride is sparingly soluble in water. In water. Whereas lithium chloride, lithium bromide, and lithium iodide, they are insoluble in water. They are insoluble in water. Are soluble in organic solvents like acetone or pyridine. Indicates their covalent nature. So, lithium wale case mein they are covalent. Lithium wale case mein they are covalent. Lithium fluoride to water mein soluble hai. Sparingly ka matlab thoda mushkil se, but dissolve ho jata hai. स्पेरिंगली मतलब वो ऐसे स्पून से बोला बोलते रहो तो डिसॉल्व हो जाएगा. आप फजान रूल भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फजान रूल. क्या टाइम वही है, एनायन बड़ा होगा तो ये अपन ने फजान रूल में भी डिस्कस किया. यस वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट, बट मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ कि आपको पता वही रिपीटेशन होगा. मैं पता बहुत सारा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका होता हूँ, वो रिपीटेशन ही होता है. सो स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है थोड़ा स्टर करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. राइट, बट वी विल से दैट अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूंगा तो मैं लिथियम फ्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड greater than lithium bromide, greater than lithium iodide होगा. That is because of the lattice energy. Due to high lattice energy of LiO. Due to lattice energy, अपन को पता है
लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी अपन को पता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइड बाय r होता है, ये अपन को पता होता है। तो r अगर भाई छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू प्रोजन। अपन कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट लिथियम ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट लिथियम अदर कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट डू नॉट डिकम, ये तो अपन ने पढ़ा था, वो मतलब पॉइंट्स लिखे थे ना इसमें, मेटल कार्बोनेट डू नॉट डीकंपोज। टाइम हो गया क्या, कोई बता रहा मैथ्स का लेक्चर भी है? यस हाँ, तो ठीक है फिर अपन रुक जाते हैं, क्योंकि मतलब फिर इससे आगे अपन कंटिन्यू कर लेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। तो अभी अपन ये स्टॉप कर लेते हैं।